क्या आप कभी कभी महसूस करते हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि आप अपने सपनों का जीवन बनाने में असमर्थ हैं? खैर, आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करता है, उसे कभी कभी ओकेशनल ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। आखिर ये रेजिस्टेंस पैदा करने वाली ये ऑब्स्टेकल्स क्या है? यदि आप अनश्योर हैं कि आप ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना कर रहे हैं, तो इससे आपको ये पहचानने में मदद मिल सकती है कि क्या इससे आपको कुछ समस्याएं हो रही हैं या नहीं। देखिए, अगर आपके और आप जो चाहते हैं उसके बीच कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो बैरियर्स आपके मैनिफेस्टेशन स्किल के रास्ते में आ सकते हैं। हम अक्सर ये भी जानते हैं कि ये एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि ये आमतौर पर एक इनकंसिस्टेंसी है जो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर बहुत सी एंट्रेंच्ड बिलीव्स हैं जो हमारा एक इंट्रिंसिक पार्ट बन गई हैं। वो प्रभावित करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और वर्क करते हैं। हमारा उन पर बहुत कम कंट्रोल होता है, क्योंकि हमारा बिलीव सिस्टम तब बनता है जब हम बच्चे होते हैं। यहां तक कि अगर कोई बहुत ज्यादा भी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होने की कोशिश करता है और साथ ही अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को बढ़ाने और चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बट अगर उनकी अंडरलेइंग बिलीव नेगेटिव है, तो ये ऑब्स्टेकल्स के रूप में काम करेगा और मैनिफेस्टेशन सक्सेस को रोक देगा। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि आप अपने लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और आप डेली बेसिस पर मैनिफेस्टेशन के कई तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। स्क्रिप्टिंग, जर्नल लिख रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं और हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहरा रहे हैं, एंड आप बहुत अच्छा भी महसूस करते हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और ही चल रहा है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअसली हो रहा है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जिसमें पैसों की कुछ समस्याएं थी, और आपके माता पिता हमेशा रिच एंड सक्सेसफुल लोगों को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते थे। शायद आपने उनको ये भी कहते सुना होगा कि वो सभी स्वार्थी और दिखावटी होते हैं, या कि अगर कोई अमीर होता है तो पक्का वो अनकाइंड या अनअप्रिशिएटिव होगा। हो सकता है कि आप अपने माता पिता की बातों से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी आपने उनके व्यवहार को देखा होगा और अनजाने में उनकी नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया होगा जब उन्होंने ये बातें कही थी। सो, जब आप फाइनेंशियल अबंडेंस की ओर बढ़ते हैं, तो ये एक इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। बट यदि आप अपनी इन ऑब्स्टेकल्स को गायब होते देखना चाहते हैं, तो आप इन मेथड्स को अपना सकते हैं। नंबर वन, किसी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार करें। ऑब्स्टेकल्स के ब्लॉकिंग इन्फ्लुएंस को रिलीज करने का पावरफुल तरीका है उन्हें एक्सेप्ट करना। अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए और भी अधिक समस्याएं और अधिक ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे। सो, अपनी बैरियर्स को अफेक्शन और ग्रैटिट्यूड जैसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ स्वीकार करें। बी काइंड टू योरसेल्फ। आफ्टर ऑल, इसमें से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स बचपन के एक्सपीरियंसेस और सीखे हुए बिलीव्स के कारण जनरेट होते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन एक्सरसाइजेस को भी अपना सकते हैं। नंबर वन, उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। नंबर टू, उसके बाद अपने बचपन की यादों और हर एक एंट्री के साथ आने वाले थॉट्स एंड फीलिंग्स को डीपली समझें। नंबर थ्री, आपने इसमें ऐसा क्या पाया जो आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे प्रेजेंट रेजिस्टेंस का निर्माण कर सकता है। नंबर फोर, आप जो कुछ भी डिस्कवर करते हैं उसे एक्सेप्ट करें और उन्हें अफेक्शन एंड ग्रैटिट्यूड के साथ अक्नॉलेज करें। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने लाइफ में जिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों का अनुभव किया है, वो सभी आपको अपनी ताकत, पर्सनैलिटी और सोल को विकसित करने के लिए उपहार में दी गई हैं। एंड इस इंटरनल रेजिस्टेंस की ओर ले जाने वाली कंडीशन और लोगों को स्वीकार करना बहुत पावरफुल माना जाता है। नंबर टू, गो विद द फ्लो। मैनिफेस्टेशन जर्नी हमेशा एक आसानी से चलने वाली सड़क नहीं होती है। भले ही हम थ्री डायमेंशनल बीइंग्स हैं, हम दुनिया को दो तरह से देखते हैं। इसका मतलब है कि हम चीजों को अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, दिन के बाद रात होती है, विंटर्स के बाद समर सीजन आता है, और हम केवल पॉजिटिव को समझते हैं क्योंकि हम नेगेटिव को जानते हैं। जब भी हमारा सामना ऐसी चीजों से होता है जिसे हम नापसंद करते हैं, तो ये हमें उन चीजों की ओर बढ़ने के लिए जगाती है जो हम चाहते हैं।
यदि आप नहीं जानते कि लैक ऑफ वेल्थ की एंजाइटी कैसी होती है, तो आप अनलिमिटेड वेल्थ को अट्रैक्ट करने की डिजायर ही नहीं रखेंगे। आपको अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में जिन पहाड़ियों पर चढ़ना है, जहां चीजें थोड़ी कठिन है बट नीचे की ढलान आपको बहुत आसान लगेगी और आप उसको ट्रूली अप्रिशिएट कर पाएंगे। सो अभी अपने लाइफ के लिए ना ग्रेटिट्यूड महसूस करके इस ऑब्स्टेकल्स को दूर करें। चाहे आप किसी पहाड़ी के आधे रास्ते पर हों या एफर्टलेसली किसी पहाड़ी से नीचे उतर रहे हों, आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए। यदि आप यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आपके वाइब्रेशन को और भी ज्यादा हायर लेवल्स तक पहुंचा देगा। आपकी वाइब्रेशन एनर्जी इतनी हाई होगी कि आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करना उतना ही आसान होगा। आपकी जर्नी में रेजिस्टेंस डालने के बजाय इसे एक्सेप्ट करें और रास्ते के हर स्टेप को एंजॉय करें। आज आप कैसा महसूस करते हैं, खासकर यदि सिचुएशन टफ है, तो ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर किस तरह का होगा। नंबर 3, डोंट ऑब्सेस। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तब सीखते हैं जब वो अपने जीवन में कुछ अट्रैक्ट करने के लिए बेताब होते हैं। इससे जो प्रॉब्लम पैदा होती है वो ये है कि फीलिंग ऑफ लैक से कुछ जनरेट करना इम्पॉसिबल है। जब कोई आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, तो ये एक मैजिकल सॉल्यूशन की तरह लगता है। अपने डिजायर्स पर ध्यान केंद्रित करने से काम हो सकता है और वास्तव में आपकी मैनिफेस्टेशन कैपेबिलिटीज को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और अपने एम्बिशंस के बारे में सोचते हैं, जब आप हताश, निराश, इम्पेशेंट महसूस करते हैं, तो आप यूनिवर्स ऑफ लैक एंड स्कार्सिटी में फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, जहां से कुछ भी नहीं होने वाला। इस प्रकार के वाइब्रेशन से आप केवल लैक एंड डिस्पेयर ही अट्रैक्ट करेंगे। यही कारण है कि आप अपनी इच्छाओं पर फिक्सेटेड ना हो। हर तरह से अपनी डेली मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करें, लेकिन फिर अपने रिमेनिंग दिन को भी कंटिन्यू रखें। अपने आप को बिजी रखें और हर उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अपने दिन के दौरान करते हैं। नंबर 4, लेट योर इंट्यूशन गाइड यू। अपनी इंट्यूशन डायरेक्शन का पालन नहीं करना एक स्पेसिफिक रीजन है कि क्यों लोगों को अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना मुश्किल लगता है। आपके मन में कहीं से भी कितनी बार कोई थॉट्स या आइडिया अपीयर हुआ है, आपने कितनी बार उस आइडिया और थॉट को नजरअंदाज किया है और उसे अपने दिमाग से निकाल दिया है। जब हम अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए पर्पसफुली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करते हैं, तो हमारा इंट्यूशन अक्सर सुपर सेंसिटिव हो जाता है। यदि आप इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, तो आप यूनिवर्स को दिखा रहे हैं कि आप इंडिकेशंस पर भरोसा नहीं करते हैं और प्रोसेस के खिलाफ है। सो अपने इंट्यूशंस पर भरोसा रखें और उन सिग्नल्स का पालन करें जो यूनिवर्स आपको देता है। इंट्यूशन गाइडेंस हमेशा आपके बेनिफिट में ही होता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।